अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है किसी चीज़ को सीखने की तो आप नहीं सीख सकते। तो इंडिया में हमारे पास 1300 समथिंग बर्ड्स के स्पीशीज हैं, जिसमें कि अकेले 700 समथिंग उत्तराखंड में है, और उसमें भी कोटद्वार में अकेले 400 से ऊपर बर्ड्स हैं। जहाँ बैठे थे उससे वो पानी का स्पॉट था, वहीं से टाइग्रेस 4 बच्चों के साथ। कि ये आपके लिए भैया, मैंने देखा, उठाया मैंने, मुंह में डाला, मैंने कहा ये तो घर का मुर्गा है कि नहीं जो कल आपने खींचा। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी जबराल, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हर एपिसोड में हम आपको किसी न किसी एक ऐसे व्यक्तित्व से मिला रहे होते हैं जो कुछ अलग कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। और बर्ड वॉचिंग, आप लोगों को मालूम होगा बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कितने पैशन के काम है। एडवेंचरस लाइफ, घूमना फिरना और इस तरह के फील्ड में अगर कोई अपना करियर बनाकर एक छोटी सी जगह कोटद्वार जैसी, तो कैसा लगेगा। आइए मिलते हैं राजीव बिज जी से, जो पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से बर्ड वॉचिंग के फील्ड में डेडिकेटली काम कर रहे हैं, और कोटद्वार के नाम को बर्ड वॉचिंग के पटल पर उन्होंने एक नई पहचान दिलवाई है। तो आइए, स्वागत है राजीव जी आपका। नमस्कार माधुरी जी। बर्ड वॉचिंग, सबसे पहले होता क्या है बर्ड वॉचिंग? हिंदी में बोलूँ चाहे कैसे बोलूँ, पक्षी अवलोकन, चिड़ियों को देखना, उनके बारे में जानना कि वो कहाँ से आ रही हैं, किस मौसम में आ रही हैं, किस जगह पर आ रही हैं, और वहाँ पे कौन कौन से प्लांटेशन हैं या हैबिटेट जिसमें वो आ रही हैं। तो लोग आते हैं, कोई फोटोग्राफी करता है, कोई बायनोकुलर से बर्डिंग करता है, सिर्फ बायनोकुलर से बर्ड को देखते हैं। कुछ लोग जो जैसे आजकल सोशल मीडिया में हो गए लाइक वाले, वो अच्छी फोटोग्राफ खींच रहे हैं बर्ड्स की कि उनको ज़्यादा लाइक्स मिले। तो बर्ड वॉचिंग आज एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बन चुका है और एक बहुत बड़ा हब बन चुका है टूरिज्म में। जैसे कि मेरी जानकारी है कि आपने जो अपने करियर की शुरुआत है वो एज अ टीचर की थी, और उसके बाद आप शिफ्ट हुए हैं बर्ड वॉचिंग में और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, तो क्या चीज़ थी ऐसा कि आपने इसको शिफ्ट किया? मैम, मैं टीचर था देहरादून पहले, उसमें फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता था समर वैली कैमन हॉल में। लेकिन 2015 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं मन हट गया जॉब से मेरा। मुझे जाना था बर्ड्स की फोटोग्राफी के लिए, देखने के लिए, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। तो मैंने 2015 में जॉब पे रिज़ाइन दिया और घर वापस आ गया। फिर धीरे धीरे मैंने इसमें कोर्स करे, सब कुछ सीखा, बर्डिंग के बारे में बुक्स पढ़ी, इंटरनेट से पढ़ा, फिर गांव वालों से भी जाके सीखा बर्ड्स के बारे में, क्योंकि हमसे यह नॉलेज लोकल लोगों को होता है कि कौन सी बर्ड किस जगह मिलेगी। बिल्कुल, हम तो जाएंगे देखेंगे, लेकिन हम उससे सीखने बहुत कुछ मिला। और उसके बाद हमने यहाँ पे बर्ड फेस्टिवल कराया, जहाँ पे पहले DFO साहब थे, वैभव कुमार सिंह, पहला फेस्टिवल 2018 में, जो बहुत सक्सेस रहा बर्ड वॉचिंग के लिए। जैसा आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब आपको बर्ड वॉचिंग का शौक पहले से था, और देन आप गलत प्रोफेशन में थे अगर मैं बताऊं और उसके बाद आप फिर अब सही आप अपने पैशन की तरफ आए हैं, तो कुछ विशेष योग्यता चाहिए होती है इसको करने के लिए? पहले सबसे बड़ी बात है कि होता है आपको एक इसमें जिज्ञासा होनी चाहिए मेन आदमी को। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है किसी चीज़ को सीखने की तो आप नहीं सीख सकते हो। मुझे बचपन से हमारे घर में चिड़िया आती थी गर्मी के टाइम पे, आपने भी शायद देखी होगी, लंबी सफ़ेद रंग की पूंछ थी, लंबी छोटी चिड़िया, बहुत लंबी पूंछ होती है उसकी, उसको पैराडाइज फ्लाइकैचर बोलते हैं। तो हम उसके पीछे भागते थे कि परी वाली चिड़िया आ गई, परी वाली चिड़िया आ गई, लेकिन वो चिड़िया भाग जाती थी। फिर वो पानी के, जहाँ पानी था उसके आसपास रहती थी, फिर हम देखते थे वो पानी में गोते मारती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था कि ये चिड़िया है। तो धीरे धीरे शौक बढ़ता गया बर्ड देखने का। फिर हम जब टीचिंग में लगे तो भूल गए। फिर अचानक से एक दोस्त था मेरा, उसने बोला चलो बर्डिंग के लिए, तो शौक फिर से जाग गया। उसके बाद हमने यहाँ पे आके काम शुरू करा। तो जो बर्ड्स है, इसका संसार बहुत बड़ा है। हमारे इंडिया में 1320 बर्ड्स हैं और उत्तराखंड में 720 बर्ड्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कोटद्वार लेंस डिवीजन है, 450 से ऊपर बर्ड्स यहाँ पे हम खींच चुके हैं, और अभी हमारी खोज जारी है। बर्ड वॉचिंग में बर्ड्स जो ढूंढने का है वो कोई स्पेसिफिक तरीका है? इसमें क्या होता है मैम, बर्ड्स जैसे हाई एल्टीट्यूड की बर्ड्स अलग हैं, फुटेज की अलग हैं, और आपके साउथ की बर्ड्स अलग हैं। तो ये पैसेज में और माइग्रेशन में बर्ड्स हमारे यहाँ आती हैं। जब हाई एल्टीट्यूड में बर्फ़ पड़ेगी तो हाई एल्टीट्यूड की बर्ड्स नीचे फुटेज में आती है, जैसे आपके दुगड्डा, फतेहपुर, सनी की तरफ आती हैं। लद्दाख की बर्ड हमारे यहाँ आती है, वाटर बर्ड्स, मृगेंजर, क्योंकि उनको एकदम फ्रेश वाटर चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि उनको कोई लेक है या झील है, उनको फ्रेश वाटर चाहिए और फ्रेश फिश चाहिए उनको, तो बर्ड्स हमारे यहाँ आती हैं। फिर जो नीचे से बर्ड्स आती हैं समर में ब्रीडिंग कराती हैं, जो सिर्फ समर में हमारे ब्रीडिंग कराती हैं, नेस्टिंग करती हैं, बच्चे बड़े करती हैं खिला के, फिर उनको लेकर चल जाती हैं। फिर हमारे बर्ड नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ बर्ड्स हमारे यहाँ आती हैं, जैसे हमारे एक बर्ड आती है लॉन्ग टेल ब्रॉडबिल,
उसको आप देखोगे आप उसे सोचोगे कि कार्टून बर्ड है कोई, उसके सिर में ब्लैक कलर का हेलमेट होता है, पूरी ग्रीन होती है येलोइश, तो उसको देख के कहोगे आप ये कोई कार्टून बर्ड है, लेकिन वो बहुत रेयर बर्ड है जो हमारे यहाँ के जंगलों में मिलती है। तो मतलब आप लोग इनको कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग्स वगैरह होती है? सीजन में कि बर्ड्स अलगूंगी, विंटर्स की अलगूंगी, समर्स की अलगूंगी, बरसात में फिर बर्डिंग कम होती है, बट विंटर्स समर्स और जो मीट चलता है इसमें अक्टूबर नवंबर, इसमें बर्ड्स अलग अलग मिलती है। अच्छा, कोई टाइमिंग्स भी होती हैं कि इस टाइम पे हमें ज़्यादा बर्ड्स मिलेंगी या इस समय नहीं मिलेंगी, मतलब क्या चीज़ें ध्यान में रखकर आप चलते हैं? जब कोई बर्ड देखते हैं तो उसके बारे में लिखते हैं कि इस मंथ में हमने बर्ड देखी है, कौन सी डेट में देखी है, फिर नेक्स्ट ईयर हम जब नई बर्ड को देखते हैं नेक्स्ट टाइम फिर उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ जाकर चेक करते हैं कि ये बर्ड आई नहीं आई, अगर नहीं आई है तो क्या हैबिटेट वहाँ पर चेंज हुआ है, अगर आई है तो क्यों आई है, तो मंथ हम डेट नोट कर लेते हैं उसकी, फिर हम हर साल उसको जाके देखते हैं बर्ड्स को। फिर जैसे बर्ड्स का क्या है, इनके लिए कुछ सीमा तो है नहीं कि बॉर्डर हो या फिर कोई कास्ट सिस्टम हो, ये तो आएंगी चली जाएंगी। तो जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊँ, दुगड्डा में एक जैसे रिवर है आपने देखा मार्केट में, पुल के नीचे करीबन 30-40 तरीके अलग बर्ड्स मिलती हैं। अच्छा, जो कुछ कुछ बहुत रेयर है लेकिन वहाँ लोगों को नहीं पता, तो कहते हैं क्या है, गंदगी वंदगी रहती है, हम लोग जाते हैं बैठ जाते हैं तो कहते हैं कैसे बैठे हो गंदगी में आप लोग, तो कीचड़ गिर रहा है, तो हम कहते हैं भाई ये बर्ड है। लेकिन अब लोगों को वहाँ जाने लग गए बर्ड्स के बारे में, तो वहाँ के लोग बता रहे थे हमको कि नहीं बर्ड आ रखी है सरपुर नदी पे, तो जाके हम ढूंढते कौन सी बर्ड आ रखी है, पता करते उसके बारे में, फिर हम उसके बारे में नेट पे देखते हैं। आजकल बहुत ऐप आ गई हैं, मर्लिन आ गई है, ई बर्ड आ गया है, ई बर्ड पर पूरी चेक डलती है। आप जैसे सुबह गए बर्डिंग के लिए, मॉर्निंग और दो सेशन होते हैं, इवनिंग दिन में कोई बर्ड नहीं दिखती, दिन में वो भी रेस्ट करती हैं। तो हम सुबह जाते हैं 6 बजे से लेकर 10:30 बर्डिंग करते हैं, वापस आ जाते हैं क्योंकि बर्ड का भी रेस्ट करने टाइम होता है। फिर 2:30 बजे के बाद जब बर्ड दोबारा एक्टिव होती हैं शाम तक, फिर हम बर्डिंग करके वापस आते हैं, ये होता है। तो मतलब मॉर्निंग और इवनिंग का जो है वो बेस्ट टाइम होता है बर्ड्स देखने का। आपने बताया कि पूरे इंडिया में हमारे पास 1300 समथिंग बर्ड्स के स्पीशीज़ हैं, जिसमें कि अकेले 700 समथिंग उत्तराखंड में है, और उसमें भी कोटद्वार में अकेले 400 से ऊपर बर्ड्स हैं। तो कोटद्वार और ये जो कालागढ़ ये वाला जो हमारा है, और यहाँ पे कॉर्बेट भी हमारे पास फॉरेस्ट है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं यहाँ पर कि हमारी इतनी अच्छी बर्ड डाइवर्सिटी यहाँ पे है? हमारे क्षेत्र में कॉर्बेट और राजाजी का कॉरिडोर है, दोनों, उसकी वजह से हमारे यहाँ बर्ड काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि हम लोग को जंगल जाने की परमिशन नहीं मिलती आम लोग, जो आम लोग होते नहीं जा पाते हैं। फिर हमारे यहाँ जो हैबिटेट है मिक्स फॉरेस्ट है, रिवर है, गांव है, तो उसकी वजह से बर्ड गांव के आसपास ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपको पहले पता होगा कि गाँव में जो पहले लोग नाम होते थे तो चिड़ियों के नाम पर लिखते थे, रखते थे लोग, तो बर्ड गाँव के आसपास रहना बहुत चाहती हैं, रहती हैं, मिलती ज़्यादा ही गाँव के आसपास। तो जो मिक्स फॉरेस्ट है और रिवर है उसकी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा बर्ड्स हैं, क्योंकि हमारे साल फॉरेस्ट भी है, हमारे यहाँ शीशम भी होगा, हमारे यहाँ यूकेलिप्टस भी होगा, हमारे यहाँ कुकाड भी होगा, पीपल भी होगा, फिर छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं हमारे यहाँ, उसके आसपास बर्ड्स ज़्यादा रहती हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बर्ड्स हैं। अभी लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे चाइनीज रूबी थ्रोट खींची थी, जो कहते हैं लद्दाख मिलती है, तो इस मतलब इस एरिया का पहला रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, चाइनीज रूबी थ्रोट का। एक चीज़ जो मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि आप बर्ड वाचिंग के फील्ड में हैं, और जो जितना मैं जानती हूँ मुझे लगता है इसमें संघर्ष भी बहुत होता होगा, और बहुत सारे मतलब डिफ़िकल्टीज तो वैसे हर ही काम में होती हैं, बट बर्ड वाचिंग आपको कैमरा लेके जंगल जाना, कभी ऐसा भी होता है कि कोई चिड़िया ना मिले, या किस तरह के संघर्ष आपको देखने पड़ते हैं? संघर्ष नहीं देखने पड़ते, मिलते तो काफ़ी हैं। स्टार्टिंग में तो बड़े कुछ हुआ, जैसे हम जंगल जा रहे हैं, मैं गाँव में गया, मैं देहरादून से छुट्टी आया, तो वो स्टोरी मेरी छपी हुई थी, तो मैंने एक चिड़िया खींची, वहाँ दिखाया इनको, मैंने कहा देखो ये खलीज फिलेंट है, कि अच्छा हाँ ये जंगली मुर्गा है, कल आओगे आप? मैंने कहा पक्का आऊँगा। सुबह ले गए मुझे एक पानी के स्रोत पे, जैसे पानी का होता है गाँव में, तो वहाँ काफ़ी बर्ड दिखी, तो 8:30 बजे करीब मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, मुझे नाश्ता करना है घर जाके। कहते हैं नाश्ता आपके लिए यहीं बना हुआ, खा लो। तो उन्होंने प्याज की भुज्जी बड़े प्यार से, और मक्खन और 2 रोटी, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा वाह भाई मज़ा आ गया। अचानक कटोरी ले आए कि ये आपके लिए भैया, मैंने देखा उठाया, मैंने मुंह में डाला, मैंने कहा तो घर का मुर्गा है कि नहीं जो कल आपने खींचा? अब वो ना तो अंदर जाए ना बाहर जाए, तो उनसे पूछा भाई कैसे मारा, कहाँ मारा ये। लेकिन मैंने धीरे धीरे इनको चेंज करा गाँव वालों को, मेरे जैसे गेस्ट आते हैं बाहर से, तो मैंने इन लोगों को बोला आप इनसे हल्दी ले लो, अदरक ले लो, हरी सब्जी ले लो। पर गाँव में जैसे लोग होते हैं, आपको पता है हमारे गाँव लोग सीधे होते हैं, हरी सब्जी अरे फ्री में ले आ लो, धनिया फ्री में ले आ लो। मैं कहा नहीं, जो चीज़ें पैसे लेंगे पैसे देंगे आपको। तो धीरे धीरे उस गाँव में लोगों को जागरूक किया, अवेयरनेस बढ़ी, तो अब वो गांव वाले नहीं करते हैं।
अब वो गांव वाले बताते हैं कि भैया नई चिड़िया आ रखी है, जैसे हमारे गेस्ट आते हैं देखो जैसे ठंडा वाला चाय बना देंगे, फटाफट ठंडा पानी ले आएंगे सर्दी गर्मियों में, तो गांव मतलब गेस्ट की बड़ी इज्जत देते हैं वो लोग। ये धीरे धीरे में चेंज आना शुरू हो गया। अगर कोई चाहता है कोई नया युवा कि वो इस फील्ड में अपना करियर बनाए, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बर्ड वॉचिंग है वो है बाइनोकुलर से। सलीम अली के टाइम पे कोई कैमरा नहीं था, उन्होंने बर्ड देखी, उसका स्केच बनाया, उसी से उन्होंने बर्ड की बुक लिखी है, बर्ड के बारे में बताया। तो सबसे और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा जो बाइनोकुलर है हमारी आँखें, जो हम आँखों से देखते हैं ना वो हमारे दिमाग में कैद हो जाता है। तो जो नया बर्डर है ऐसा जल्दीबाजी नहीं कि एकदम जल्दी से एकदम वो बर्डर बन जाए या बर्ड गाइड बन जाए, पहले उसको सीखना पड़ेगा, बर्ड के बारे जानना पड़ेगा कि उसकी उत्सुकता है नहीं है। पता चला उसने दो दिन करा, मैं जैसे बच्चों में होता है आजकल कि आज मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, दो दिन बाद देखा उसने नहीं यार मजे डाल दूसरा गेम खेलता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। उसको बर्ड वॉचिंग सीखनी है तो उसको सीखनी पड़ेगा ढंग से। कैमरे जरूरत नहीं है, एक सस्ता बाइनोकुलर ले ले, किताब होनी चाहिए नोटबुक, उसमें उसको लिखना चाहिए बर्ड के बारे में कि ये बर्ड देखी, नाम लिखो, फिर नेक्स्ट मंथ जाके देखो बर्ड कहाँ रही है। अगर उसका इंटरेस्ट है वो पूछे, आजकल बहुत कोर्स हैं ऑनलाइन, ऐप्स हैं बहुत ज़्यादा बर्डिंग की, मलिन ऐप है जिसमें बर्ड्स की कॉल वॉल भी है, लेकिन वो मलिन ऐप जो हमारे हिसाब से हम लोग अनएथिकल बर्डिंग नहीं करते हैं कि कॉल प्ले कर दिया सब, कॉल प्ले गलत है कि उसे बर्ड डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर्ड भी अपने एरिया की टेरिटरी होती है, तो वो क्या करती है टेरिटरी में अगर कोई कॉल प्ले करता है उसके एरिया में तो वो आके देखता है मेल या फीमेल कि मेरे एरिया में कौन आया, अगर उसको नहीं मिला कुछ हुआ परेशान तो छोड़ के चल जाता, नेस्ट होगी तो छोड़ के चल जाएगा, तो उसकी वजह से उसके अंडे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चे होंगे नहीं। तो नए बर्डर के लिए है कि मैम आप जरूरी नहीं है उनके पास नोटबुक होनी चाहिए, एक फील्ड गाइड बुक होनी चाहिए और एक पेन, नहीं है बाइनोकुलर बाद में ले लो, फिर अपनी आँखों से देखो और जो देखते हैं उसको नोट कर, हाँ उसको नोट करना चाहिए, फिर आप देखें कि कुछ नया दिखा है, नया दिखा है तो पूछें, आपने जो आपके सीनियर से पूछें कुछ। अभी हमने 50 गाइड तैयार करे हैं यहाँ पे कोटद्वार में लड़के लड़कियाँ। तो आपके जो बर्ड वॉचर्स यहाँ पे बाहर के लोग का आना जाना है यहाँ पे, कितने तक लोग आ जाते होंगे यहाँ पे, क्योंकि बर्ड वॉचिंग का एक अच्छा, देखिए यहाँ हर महीने कम से कम 40-50 लोग आते हैं। और मैं आपको बताता हूँ माधुरी जी, एक चिड़िया एक नेचर गाइड को, लोकल ड्राइवर को, टैक्सी वाले को, होटल वाले को, ढाबे वाले को, और जो लोकल कम्युनिटी है उसको और पोर्टर्स को काम देती है 6-7 लोगों को। कैसे चिड़िया के लिए कोई बंदा देखने आता है बर्ड देखने के लिए तो होटल भी लेता है, बिल्कुल लोकल ढाबे में खाना भी खाता है, नाश्ता भी करता है बर्डिंग करते हुए, पोर्टर्स भी चाहिए होता है उसको कि भाई मेरे कैमरे लेंस भारी है तो उठा ले, खच्चर वाला चाहिए होता है अगर हाइट पर जाना हो, फिर लोकल लोगों से उत्पाद भी खरीदता है, टैक्सी वाले भी लेता है वो, अगर वो बाय द वे ट्रेन से आ रहा है उसको गाड़ी नहीं है उसको वो टैक्सी करेगा। तो एक चिड़िया कई लोगों को रोजगार देती है। और हम कहते हैं ना कि सेव टाइगर सेव फॉरेस्ट, टाइगर फॉरेस्ट नहीं बचाता, चिड़िया फॉरेस्ट बचाती है, क्योंकि एक चिड़िया जो फल का खाती है उसका बीज लेके वो बीट करती है तो उससे ही पेड़ बनते हैं, टाइगर से नहीं बनते पेड़। लोगों की सोच गलत है कि सेव टाइगर सेव फॉरेस्ट, सेव बर्ड सेव फॉरेस्ट। ये जो हमारा कोटद्वार और ये कालागढ़ ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे बर्ड वॉचिंग की कितनी संभावनाएं हैं? देखिए यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं बर्ड वॉचिंग की, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो बर्डर हैं, जैसे आप कॉर्बेट जाएंगे आप या राजीव जाएंगे तो आप नेशनल पार्क में नीचे उतर सकते हैं गाड़ी से। हमारे यहाँ तो जो बर्डिंग है वो पार्क से बाहर है, गाँव में है, जैसे दुगड्डा हो गया, फतेहपुर हो गया, सेंधीखाल हो गया, उमरेला हो गया, तो उस पे तो रोड पे कहीं बर्डिंग कर सकता खड़ोगे, लेकिन आप कॉर्बेट के अंदर जाओगे नेशनल पार्क में जाओगे तो आप गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते, राजमार्ग नीचे नहीं उतर सकते, और आपको यहाँ एकदम सेफ भी रहता है। तो यहाँ पे तो बर्ड वॉचिंग इतनी, और यहाँ पे बर्ड्स इतनी इजीली मिल जाती हैं पास में, वो लोगों से इतनी क्लोज होती हैं बर्ड। सपोज की बात होता स्टोरी में आपको, मेरे गेस्ट आए तो फतेहपुर के पास एक विक्की की छोटी सी दुकान है चाय वाय की, तो हम पहुँच गए 6:30 बजे करीब, तो हमने विक्की भाई क्या हो रहा है, कहता है सर चिड़िया आ रही हरी वाली। हमने कहा हरी वाली? तो मेरे साथ जो मेरे गुरु थे श्रवणदीप सर, सर उन्होंने देखा कर कौन सी हरी वाली कह रहा है, कह रही ग्रीन मैगपाई, रेयर बर्ड होती है ग्रीन मैगपाई। अच्छा। वो अपना चूल्हा साफ कर रहा है, वो दो बैठ के सामने खा रही है। हमने जैसे कैमरा निकाले वो भाग गई। हमने कहा ये क्या हो गई? उसने सर आप गाड़ी में बैठ जाओ देखो, वो फिर गया, वो झाड़ू वाड़ू सफाई करने गया, वो फिर आके बैठ गई। मतलब जो लोकल बंदा है उसके पास तो इतनी क्लोज है, जैसे हम तीनों तरह के कैमरे लेके जा रहे हैं वो भाग जा रही है। बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है। फिर मैंने विक्की भाई काम करो अपनी जैकेट दे दो, अपनी जैकेट दी, पुरानी जैकेट अपनी डाली एक ने, कुछ चुपचाप जगह बैठा फोटो खींची, फिर दूसरी तरफ करी पहनी जैकेट। मतलब वो लोकल से डर नहीं रही है,
लेकिन हम लोग को देख के वो डर के मारे भाग जाती है। हाँ। और बहुत ही रेयर बर्ड होती है कॉमन ग्रीन मैगपाई, उसकी आंखें पूरी ग्रीन होती है और आंखें रेड होती है। जैसे कि आप बर्ड वॉचिंग के लिए जंगलों में और पर्वतों में आपने बताया कि आप जाते हैं, कभी कोई ऐसा वाकया कि कोई इस तरह का हुआ हो कि बड़ा खतरनाक सा कि नहीं, मतलब कभी ऐसा हुआ? एक बार हुआ है, एक क्या दो तीन बार हुआ है। एक बार तो हाथियों ने उड़ाया हम लोगों को, हम लोगों की गलती थी कि हम उनके क्षेत्र में घुस गए थे एक बर्ड के पीछे में करते करते। एक बार ऐसा हुआ, ये सैनिखाल रोड पे 2 साल पहले की बात है, शायद आपने सुना होगा, टाइगर आ गया था दुगड्डा रोड पे। तो मेरा गेस्ट में बैठे थे, उनकी वाइफ और गाड़ी बैठी थी, ड्राइवर की गाड़ी में था, तो हम दोनों बैठे थे, अंकित और नाम शुक्ला। अचानक से क्या हुआ, लंगूर बोला मैंने, उसने बोला भैया लंगूर बोल रहा है। मैंने कहा एक बार बोला कोई बात नहीं। अचानक से काकड़ा आप जानते हो बार्किंग डियर, वो भौंक लग गया। मैंने अंकित खड़ो, उसने क्या हुआ, मैंने खड़े तो उसने हुआ क्या, हम दोनों उठे कैमरे उठाए, जैसे ऊपर से नीचे आए रोड से करीब 3-4 मिनट नीचे गाड़ी पर आए, जहाँ बैठे थे उससे वो पानी का स्पॉट था, वहीं से टाइग्रेस 4 बच्चों के साथ, हम गाड़ी से उतर रहे, वो भी हमारे साथ बगल में उतर रही है नीचे ऐसे करके, हम दोनों के हाथ पाँव कांप गए। उसकी वाइफ और गाड़ी के अंदर बंद, हम दोनों गाड़ी में छुपे हुए थे। तो अच्छा उसने कुछ, लेकिन 2 दिन बाद उसने एक टीचर को, आपको याद होगा शायद, चार्ज किया था साझा साइड में, तो बड़ा सा मतलब ऐसा हो गया था उस टाइम पर कि सबसे बड़ा होती गैस की सेफ्टी हम लोगों कि बस जो बाहर से गेस्ट आ रहा है उसकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अब उस जगह पर जाते नहीं हैं जहाँ पर थोड़ा डेंजर होता है, पहले गाँव से पता कर लेते हैं कि भाई आपके क्षेत्र में लेपर्ड या टाइगर मूवमेंट तो नहीं है या हाथी मूवमेंट तो नहीं है, और चीज़ पता कर लेते हैं भाई कोई बिच्छू तो नहीं है, सांप वाप तो नहीं इधर, तब हम गैस को लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारी गैस की वाले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कि होता है पता चला हाथी आ गया, हम भाग गया, गैस में खड़ा रह गया बेचारा, भाग नहीं पाया, तो वो हम बहुत को करते हैं। और वो थोड़ा लोकल उससे लोकल से ही होता है वो। हाँ, मतलब हमें तो फिर भी आइडिया है किस तरफ जाना है, उनको आइडिया नहीं होता है रास्तों का या चीज़ों का। होता है, अभी मेरे गेस्ट थे, अब उन्हें पता नहीं था, मैंने बोला भी कि बिच्छू खास सर थोड़ा संभल के टच मत करना, अब वो चिड़िया देखते देखते थे उसके ऊपर बैठ गए। ओहो, उसके बाद तो फिर उसने होटल ही आए बेचारे, अगले दिन मिले। तो कई इंसिडेंट होते हैं ऐसे। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, जैसे आप बता रहे हैं कि उत्तराखंड और ये जो हमारा विशेषकर ये वाला जो जोन है उत्तराखंड का, कोटद्वार कालागढ़ वाला, तो इसमें आप कह रहे हैं बर्ड वॉचिंग की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो जैसे कि आप इस फील्ड से हैं, तो बर्ड वॉचिंग और जो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, इसमें अगर किसी बच्चे को, किसी युवा को अपना करियर बनाने की सोचे, तो एज अ जॉब उसके पास या एज अ करियर उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और वो किस किस फील्ड में जा सकता है? देखिए मैम, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, जो संभावना है करियर के लिए, इसमें नेचर गाइड मस्त है। आजकल हर होटल 5 स्टार में नेचुरल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे 50 गाइड हैं, ट्रेनिंग हुई तो उसमें कुछ अच्छे लड़के थे, वो लोग नेचुरल्स में गए, रामनगर गए, ताज में, हरिद्वार गए हैं, एक लड़का शरदन नेगी वो गया है लालपानी से, और एक लड़के का होम स्टे है, होम स्टे खोल सकता है अपना, और अपना जैसे होम स्टे खोल के वो साथ में बर्डिंग का जो काम, बर्ड वॉचिंग का रास्ता है, जिप्सी लेके सफारी रास्ता है, वाइल्ड फोटोग्राफी का रास्ता है, काम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन करने वाला चाहिए होता है। तो जैसे एक लड़का है शिवांग नेगी, बेंगलोर में था, HR था, अच्छा काम था, लेकिन उसने अपना होम स्टे स्टार्ट करा रतवा ढाब में, और जो बहुत बड़े चल रहे हैं, और उसके बर्डर्स आ रहे हैं, उस एरिया में नई नई बर्ड्स मिल रही हैं, वो खोज रहे हैं। साथ में कज़न है रामनगर की हिमांशी, वो भी काम कर रही है, बाकी एक लड़की किरण वो भी कर रही है बर्डिंग का काम। तो लड़कियां भी इस काम में है और इंटरेस्टिंगली कर रही हैं इस काम को। और रामनगर में तो लड़कियां जिप्सी चला रही, पता आपको? हाँ, ये तो मैंने सुना था कि जिप्सी चला रही है। और अच्छी गाइड है। मैं फाटो गया था रामनगर से, फाटो की रेंज में जो गाइड्स हैं 50 गाइड थे, उसमें से कम 30-40 लड़कियाँ थी। मैं सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर देने गया था रामनगर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने कहा यहाँ की लड़कियाँ इंटरेस्ट ले रही हैं, हमारे यहाँ लड़कियाँ कमेंटर्स ले रही हैं, पर कुछ लड़कियाँ आई हैं यहाँ पे, 7-8 लड़कियाँ तो आई थी हमारे यहाँ इस बार ट्रेनिंग में। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अवेयरनेस की कमी है इस फील्ड को लेकर? लोग सोचते हैं कि जैसे हम स्टार्टिंग, मुझे बोला क्या कर रहा है ये, पागल हो गया है, नदी नालों में बैठे रहते हैं, कीचड़ में बैठे रहते हैं, गंदगी पड़ी है वहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि भाई कैमरे लेंस लेके लोग आते हैं, बर्ड आ रही है तो ये बर्ड दिखने आ रहा है, तो मेरे यहाँ चाय पी रहे हैं, ढाबे वाले खुश रहता है कि अरे आ गए चिड़िया वाले तो हमारे चाय पियेंगे, कुछ नाश्ता खाएंगे, मेरी बिक्री होगी, तो धीरे धीरे उनमें भी वो भी बताने लगते हैं कि सर आप हमारे नई चिड़िया आ रखी है वहाँ पे। जैसे होता है ढाबे के पीछे बर्तन तो धोते हैं तो कीचड़ होता है, चावल दाने गिरते हैं, सब गिरते हैं, तो वहाँ पे बहुत बर्ड्स आती हैं, तो खुद सर हमारे नई चिड़िया आ रखी है आज, तो हम भी जाते हैं इंटरेस्ट लेके, हम भी देखते हैं कि भाई इसको इंटरेस्ट आ रहा है, चलो भाई इसके चाय पियो खाओ, तो उन लोगों को इंटरेस्ट आता है। तो हमारे यहाँ के लड़के सीख रहे हैं,
कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो बर्ड वॉचर्स में जो आप कह रहे हैं यहाँ पे गेस्ट तो अच्छा है यहाँ पे, मतलब बहुत बढ़िया स्कोप है, वॉल्यूम अच्छा है गेस्ट का जो आता है। अच्छा वॉल्यूम है। देखिए इसमें क्या होता है बर्ड वॉचिंग में आपको एक तो सबसे बड़ा सीखने को मिलता है, आपको फोटोग्राफी सीखने को मिल जाती है क्योंकि कुछ बहुत बेस्ट फोटोग्राफर आते हैं, इंडिया के बेस्ट फोटोग्राफर भी आते हैं। फिर आपको लिंक अच्छे बनते हैं आपके, क्योंकि देखिए ये जो बर्ड वॉचिंग है सस्ता तो शौक नहीं है क्योंकि कैमरे लेंस महंगे आते हैं, तो बड़े लोगों का शौक, बड़े लोगों का शौक भी है। अब तो खैर जब से ये कैमरे हाईटेक हुआ तो छोटे लोग भी लेने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें क्या जैसे आप एक सपोज मैं बताता हूँ, छोटा सा एक स्पोर्ट्स में गेम स्कूल टाइम पे गेम पीरियड होता था, चार पीरियड बच्चा पढ़ रहा है, सर उसका यूँ हो रहा है, फिफ्थ पीरियड गेम आ गया, खुश आता था अरे गेम से पीरियड आ गया गेम करूँ, उतने पीटे ने बोला चलो पीटी करना शुरू कर दो, तो कितनी गाली होता था वो, हम ही चिढ़ते कि पीटी ने क्या करा दिया। तो वैसे बर्ड वॉचिंग है, मन को सुकून मिलता है इससे। मतलब मेरे गेस्ट हैं जो कहते हैं राजू जी हम छः छः दिन के लिए आ रहे हैं कि हमको सुकून चाहिए, और लास्ट जब जाते हैं तो मूड अजीब सा आता है, कहते हैं यार फिर वही दिल्ली की भीड़ भरी जिंदगी, सुबह यहाँ तो सुबह की चिड़ियों की चहचहाट और लोकल खाना खा रहे हैं, आह नदी में बैठे हुए, अब दिल्ली जाएंगे कल से फिर वही लाइफ। तो बर्ड वॉचिंग में ये होता है लोगों के लिए सुकून भी मिलता है बहुत ज़्यादा, एक अच्छे शॉट के साथ वो सुकून को ढूंढने, शॉट मिल जाए बढ़िया बर्ड शॉट मिल जाए तो लोग खुश होते हैं, साथ में सुकून मिल जाता है, लोग सुकून के लिए जाना आ जाते हैं। आपके हिसाब से भी हमारे इस क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग को लेकर क्या क्या कमियां हैं जिनमें काम होना चाहिए? कमियां तो देखिए क्या क्या हैं, कमियां तो बहुत कुछ भी हैं नहीं भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ जो लोकल लाइट है दारू पी के बोतलें फोड़ते हैं, गंदे करते हैं, और जो वहाँ का जो लोकल गाँव की औरतें हैं वहाँ जो बर्ड्स इन पेड़ों पर नेस्टिंग करती हैं, पेड़ काट देती हैं, बुशेस काट देती हैं, तो उनके बारे में हम फौरन से बोलते हैं तो कहते हैं हाँ जी करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते इतना कभी यार, तो फिर हम सफाई में खुद ही करनी पड़ती है कि भाई यहाँ कैसे बैठेंगे, कांच फोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पे बर्ड्स के अलावा बड़े मेमर्स भी आते हैं और उनके कांच घुस गया पैर में तो जानवर को तो मेडिकल का कोई है नहीं जंगल में, तो हम लोग उसका ध्यान रखते हैं, पूरा बॉटल जो पड़ी होती है सारी साफ़ करते हैं, कांच उठाते हैं, गैस तक मेरी सफाई करते हैं। जी जी, अभी जैसे लास्ट ईयर मेरे कुछ गेस्ट आए थे, तीन चार गेस्ट थे, तो हमने पहले पूरी एरिया की सफाई करी, साफ करा, बोतलें इकट्ठा करके डाली कूड़े में, ग्लास ग्लास प्लास्टिक ग्लास ये अटर शटर। फिर जैसे फॉरेस्ट वाले को हम बोलते हैं भाई अभी जैसे सिंपल सा है, ये निगम का कटान चल रहा है, मेरे को बहुत लॉस हुआ इस बार एक पेड़ कटने से, क्योंकि देखिए उस पेड़ पे एक डॉलर बर्ड होती है, जब वो उड़ती है तो उसके पंखों पर डॉलर निशान होते हैं, वो वहाँ नेस्टिंग करती थी आके। अच्छा, फॉरेस्ट वाले बोला अभी कि इस पेड़ को मत कटवाना, वो निगम ने पूरा पेड़ काट दिया जड़ से, अभी समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ नेस्टिंग करेगी। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की एक कमी बहुत है, कमी, बहुत कमी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्कूलों में जाके बताना शुरू करा था, लेकिन मेरे कुछ लोगों का साथ नहीं मिला, तो फिर मैं छोड़ो मैंने क्या बताऊँ। अब मैं सोच रहा हूँ दोबारा से जाके सरकारी स्कूलों के बच्चों से स्टार्ट करूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको जाके लेक्चर दूँ, स्कूल में जाके पूरा उनको वीडियो दिखा के, जैसे सूरज ने बताया कि वीडियो उसकी वो तो करते थे, लेकिन वो होता है स्कूल में जाओ प्राइमरी स्कूल में लैपटॉप नहीं होता है, फिर उनके यहाँ नहीं होता है सब कोई भी चीज़, तो अब यह है कि अब स्कूल में टीवी लग गए हैं तो उसे पेन ड्राइव लगाई उसमें उसमें बता दिया उनको। नहीं, मुझे लगता है कि बच्चों को टारगेट करना इसलिए भी ज़रूरी है या फ्रूटफुल रहेगा जी जी। क्योंकि बच्चे चीज़ों को जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं, और अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर वो उसको लेके चलते हैं हमेशा। बड़ों को समझाना कठिन है, बच्चों को समझाना आसान है, बच्चों को समझाना आसान है। और फिर क्या होता है बर्डिंग तो कैसी चीज है कि स्कूल की खिड़की से कर लो बैठे बैठे। और शायद है कि ये एक ऐसा स्टेप हो कि बच्चों में बर्ड वॉचिंग को लेके एक इंटरेस्ट भी क्रिएट हो, तो ये एक अच्छा स्टेप आपका रहेगा अगर आप ऐसा कुछ करें। नहीं, मैं तो इस बार पक्का करना है, साल से स्टार्ट ये गवर्नमेंट स्कूल जाके हर मतलब क्लास पूछ के टीचर से प्रिंसिपल से कि भाई एक आधे घंटे का लेक्चर दिया, एक घंटे का उनको बर्ड्स के बारे में पूरा बताना है, कौन कौन सी बर्ड्स है, बर्ड्स से क्या फ़ायदे हैं, बर्ड्स के नाम से हमारे पहले नाम रखे जाते थे पुराने लोग, अब कुछ ज़्यादा बोलता था चटपटा उसका तोता नाम देते थे जिसकी आवाज़ मीठे से कोयल देते थे कि कोयल है भैया बुलबुल है, अब वो चीज़ रही नहीं। तो नहीं, आप कर ही रहे हैं इसमें, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप आगे इस तरह से और अच्छा काम करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका। तो आप थे राजीव बिस जी, और बर्ड वॉचिंग को लेके, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी को लेके आपने
विचार सुने होंगे राजीव बिज जी से के, और आप अवश्य लाभान्वित भी हुए होंगे, और इस तरह की पर्सनालिटीज हमारे साथ आगे भी आती रहेंगी, और आप हमसे जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।